अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो लगा था आप लोग लेट हो जाएंगे। लेट? हमें तो वक्त से पहले आने की आदत है। ये आपके दोस्त वहाब है ना? ये नहीं, ये हादी है। ये वहाब का कजन है। इसको भी जॉब की जरूरत है। वहाब क्यों नहीं आए? वो तो गया अंदर। अंदर? उसका कहने का मतलब है बाहर गया, शहर से बाहर गया। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ पर वेट करें, मैं सर से बात करके फिर आप लोगों को अंदर बुला दें। जल्दी कीजिएगा, हमें एक और जगह पे भी जाना है। नहीं नहीं कोई नहीं, हम करते हैं ना वेट। आप जाएं आराम से, हम वेट। जी बैठिए आप। अबे पागल वागल तो नहीं हो गया कि वो पकड़ा गया है? अबे मैंने कब बोला कि वो पकड़ा गया? मैंने तो बोला वो अंदर गया। चुप ही बैठा कर, पेट हल्का रखा कर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोले अम्मा। सर वो मैंने आपसे इंटरव्यू के लिए बात की थी ना, वो लोग आ गए। जी जी, अभी ऐसा करें कुछ देर में मेरे पास भेज दीजिएगा उनको। जी सर। अच्छा मिस आइमा, वो मैं आपसे पूछना भूल गया था, ये जिनकी आप सिफारिश लेकर आई हैं तो क्या आप उनको जानती हैं? जी सर, वो मेरे फियांसी हैं और उनके साथ उनके दोस्त आए हैं। ठीक, इसका मतलब है यकीनन वो कैपेबल भी होंगे जब ही आपने उनकी सिफारिश की है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि उनको ज़रा चाय वगैरह पिलवाएं। ठीक जी सर, थैंक यू। सर बस आप दोनों को कुछ ही देर में अंदर बुलाएंगे, आप दोनों के लिए चाय मंगवाओ। हाँ अगर दूध पत्ती मिलती है तो जरूर। ऑफिस की चाय से तो सिर्फ गुजारा ही हो सकता है। हाँ इसीलिए कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं हनान ठीक बोल रहा है, चाय तो हम पीते ही नहीं है, है ना? बस अच्छा सा इंटरव्यू देने आप दोनों ने, उसके बाद फिर अपनी नई जिंदगी भी शुरू करनी है। इसी मौके का तो इंतजार करा था, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मौका तो आपको मिल चुका है, उसके बाद जब जॉब मिल जाएगी आपने मुझे ट्रीट भी लास्ट में देनी है। अपनी जिंदगी आपको दे चुका और आप मुझसे ट्रीट मांग रहे हैं। सर का मैसेज है, सर बुला रहे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, थैंक यू। कुछ खा क्यों नहीं? बस दिल्ली जा रहा हूँ। हनान आयमा, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं अजीब सी तबीयत हो रही है, चक्कर आ रहे। चलो डॉक्टर के पास चलते। नहीं मुझे ऑफिस जाना है, कल चले जाएंगे। कोई ऑफिस नहीं जा रही हो तुम, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वापस आके तुम आराम करोगे। चलो चलो। डॉक्टर कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जी नहीं, परेशानी की तो नहीं, हाँ अलबत्ता खुशी की बात है। क्या मतलब? मिस्टर हनाना बाप बनने वाले हैं। इनकी तबीयत जो खराब हुई है उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेंगे? प्रेगनेंसी में तबीयत खराब होना नॉर्मल होता है, आप परेशान ना हो, बस इनके खाने पीने का सोने जागने का ख्याल रखें और हाँ दवाइयाँ टाइम पे देनी है। ठीक है ठीक है। अब अगला चेकअप कब है? मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ और कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो करवा के आप 15 डेज बाद आ जाइएगा चेकअप के लिए। थैंक यू। ख्याल करने के लिए। चल भाई निकाल मोबाइल।
जल्दी कर। अबे चल पीछे हो, अपना खुद का ये धंधा था, किसी और को डराएं। बताता हूँ तुझे अभी। प्लीज जो ये कह रहे हो उसे दे दो हनन, प्लीज हनन, प्लीज हनन मत करो सर, प्लीज हनन इस तरह मत करो। चल 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 चल, मर गया मर गया। हनन प्लीज आगे खोलो, हनन हनन प्लीज आगे खोलो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करें, हनन हनन प्लीज, हनन प्लीज उठो आगे खोलो, प्लीज मेरी तो मदद कीजिए, हनन हनन प्लीज उठो आगे खोलो, प्लीज उठो हनन आगे खोलो प्लीज। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।